कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केरल के वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। इस संपत्ति की कीमत करोड़ों में है। आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की संपत्ति में क्या क्या शामिल है। कांग्रेस नेता के हलफनामे के अनुसार हर साल उनकी कमाई 1 करोड़ रुपए से अधिक की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राहुल गांधी को 1 करोड़ 2 लाख की आय हुई, जबकि 2021 में 1 करोड़ 31 लाख, 2020-21 में 1 करोड़ 29 लाख, इससे पहले 2019 में उनकी आय 1 करोड़ 21 लाख रुपए रही। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी आय किराए, सांसद के तौर पर मिलने वाले वेतन और रॉयल्टी से होती है। इस हलफनामे के अनुसार राहुल गांधी के पास 55,000 रुपए की नकदी है। बात करें राहुल गांधी के बैंक बैलेंस की तो उनके पास 2 सेविंग्स अकाउंट हैं। इन बैंक अकाउंट्स में 15 मार्च तक कुल 26,25,000 रुपए जमा हुए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के पास नई दिल्ली के मेहरौली इलाके के सुल्तानपुर गांव में खेती की 2 जमीनें भी हैं। पहली जमीन तकरीबन 2.25 एकड़ है, जिसकी कीमत 1,24,33,800 रुपए बताई गई है, जबकि दूसरी जमीन तकरीबन 2.25 एकड़ है, जिसकी कीमत 78,31,250 रुपए बताई गई है। बताते चले दोनों जमीनों में उनकी बहन प्रियंका गांधी का 50% हिस्सा है। इसी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हलफनामे में कहा है कि उनके पास गुरुग्राम स्थित कॉमर्शियल बिल्डिंग सिग्नेचर टावर्स में 2 ऑफिस हैं। उन्होंने ये संपत्ति 7,93,03,977 रुपए में खरीदी थी। मौजूदा समय में संपत्ति का बाजार मूल्य 9,04,89,000 रुपए है। राहुल गांधी के नाम पर कुल 11,15,02,598 रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास यंग इंडियन की 1900 शेयर हैं। ये शेयर 100 रुपए प्रति शेयर के दाम पर है। इसी के साथ कांग्रेस नेता के पास 4,33,60,519 रुपए की अन्य कंपनियों के शेयर हैं। इन कंपनियों में बजाज फाइनेंस, लाल पैथ और एशियन पेंट जैसी कंपनियां शामिल है। हलफनामे के अनुसार राहुल गांधी के पास कुल 3,81,33,552 रुपए के म्यूचुअल फंड्स हैं। उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी तकरीबन 15 लाख रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा उन्होंने डाक बीमा पॉलिसी में 61,52,426 रुपए का निवेश किया है। उनके पास तकरीबन 4,20,850 रुपए के जेवरात भी हैं। इस तरीके से राहुल गांधी की कुल चल संपत्ति तकरीबन 9,24,00,000 रुपए से अधिक है।